हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे, उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और आज की क्लास बहुत ही स्पेशल होने जा रही है। और आज की क्लास में बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम रहता है स्क्वायर रूट। देखिए, ये इतना आसान भी नहीं समझना होता है इसे। जब एग्जाम में यही आ जाए और आपको 2 सेकंड के अंदर इसका हल जानना हो कि ये किसका वर्गमूल है, तो देखिए कोई आप आसान से ट्रिक के मेथड से नहीं करोगे। ये लंबी प्रोसेस से करोगे तो भी आपको समय लगेगा। लेकिन देखिए, कंसेप्ट हमेशा बिल्ड होना जरूरी रहता है। आपको कंसेप्ट के साथ साथ ट्रिक्स आने जरूरी होते हैं। तो आज हम इस क्लास में आपको स्क्वायर रूट के कंसेप्ट विथ ट्रिक्स भी बताने जा रहे हैं। तो आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रही है। सबसे पहले मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लेके रखा हुआ है। देखिए, देखिए इजी है, अगर आप चाहो तो कुछ नंबर भी कर सकते हो। देखिए, 1 की स्क्वायर 1 होती है, 2 की 4 होती है, 3 की करोगे तो 9, 4 की 16 हो गई, 5 की 25, 6 की 36, 7 की 49, 8 की 64, 9 की 81, 10 की 100। ये अगर आप इस प्रकार से कम आप मान के चलिए 20 तक भी अगर कर लेते हैं तो बिल्कुल भी आपको ज्यादा परेशानी होने वाली नहीं है। लेकिन अगर बाय द वे आपको अगर ये नहीं याद है तो बिल्कुल एक ट्रिक्स जो है जो हम आज आपको बताने जा रहे हैं स्क्वायर रूट का, जिसके सहारे आप लोग बिल्कुल आसानी से जो है कर सकते हैं। तो देखिए, अगर ये याद है आपको तो और अच्छी बात है। लेकिन एग्जाम में ये बड़े छोटे नंबर का तो आना चाहिए, लेकिन बड़े नंबर देखकर लोग घबरा जाते हैं। सबसे पहले जैसे देखिए, जैसे ही ये ट्रिक्स आए, जैसे 1296 का मुझे निकालना है तो हम यहाँ पे 2 का पेयर ले लेंगे और हम 2 ऐसी संख्या जो ये 12 आया है, जैसे कि 1 को 1 से करते हैं, 1 2 को 2 से करेंगे 4, 3 को 3 से करेंगे 9 और 4 को 4 से करेंगे तो 16 ज्यादा आएगा, तो यानी कि यहाँ 3 ले लिया जाएगा और 3 को 3 से करेंगे तो क्या आएगा 9। फिर ये जिससे भी आप लगा रहे हो उसको यहाँ पे आप लिख लो एक बार और 3 3 को 6 कर लो। 12 में 9 गए तो 3 आ गया। अब ये जो रिपीट वाला जो आप लिए हैं, ये यहाँ पे डबल जिसका पेयर लगाए हुए उसको ले लीजिए। अब कोई ऐसी संख्या यहाँ पे आपको लेनी है जिसको उसी से गुना करने पर ये इतने के अप्रोक्स आ जाए। अगर आप देखोगे भी तो 6 को 6 से करेंगे तो आ सकता है। तो देखिए, यहाँ पे अगर 6 करें तो 6 6 36 की 6 और 3, 6 6 36 और 3 39, यानी कि ये कट गए, यानी कि ये इसकी जो स्क्वायर रूट है वो 36 है। अगर बाय द वे अगर आप इसको ट्रिक से बताना है, ट्रिक्स देखिए, ट्रिक्स काफी आसान है। कितना भी बड़ा नंबर हो इसको आप विद इन 1 से 5 सेकंड के अंदर इस ट्रिक्स का यूज करके जिसकी जैसी ट्रिक्स की रिवीजन है और जितना आप अप्लाई करोगे उतने आसानी से कर सकते हो। देखिए, सबसे पहले वो ट्रिक्स मैं पर बताऊंगा बाद में, लेकिन सबसे पहले आप यहाँ इसको समझना है। देखिए, ये 41 है, ये डबल डबल का पेयर आपने लगा लिया और यहाँ पे आपको क्या करना है, देखिए 7 7 का 49, ये इसके अप्रोक्स आ रहा है, यानी ये 7 से लगाओगे 49 आएगा 1। यहाँ पे फिर 41 ले रहे हैं, यहाँ पे अगर 7 7 से लगाए तो ये 14 आ गया, यानी कि अब क्या लोगे आप, तो 1, यानी कि ये क्या आ गया 71 जा करेंगे तो ये 1 यहाँ 40 40 कट गया, यानी कि ये स्क्वायर किसका है, तो ये स्क्वायर 71 का स्क्वायर था ये। अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर देखोगे 8 8 3 6 का, तो देखिए ये भी इतना आसान नहीं है। क्वेश्चन आसान रहते हैं लेकिन आप उसको समझ नहीं पाते हो, तो क्वेश्चन को सबसे पहले समझना होता है। तो सबसे पहले ये देखिए 36 है और ये 88 है, इसका डबल डबल का अगर आप पेयर करेंगे तो देखिए ये 88 है तो आप इसके अप्रोक्स तक जाओ, 9 9 जा 81, 10 से करेंगे तो ज्यादा होता है, तो आपको 9 9 जा 81 लगाने हैं और ये यहाँ पे 7 अप्रोक्स आएंगे। 9 9 को करेंगे तो ये 18 होंगे और आपको यहाँ पे 36 ले लेना है। यहाँ आपने 9 से लगाया है तो 9 यहाँ पे लिख लो। अब यहाँ पे क्या करोगे जो इसके अप्रोक्स में जाएगा, तो आप देख रहे हो कि ये 4 4 16 आता है, यानी कि अगर 81 84 को 4 से लगाएंगे तो ये 7 3 6 ही आएंगे। देख लो, आप चेक करके भी देख सकते हो, 4 4 16 की 6 और 1 4 8 32, 1 3 की 3 और इधर 4 1 4 3 7, यानी कि ये आपने 94, यानी कि ये जो स्क्वायर रूट था ये 94 का था। अगर आप 10 1 8 8 1 6 को देखो तो डबल डबल का पेयर लगा लो, यहाँ 1 है तो 1 को 1 से ही करने पर क्या आ सकते हैं, 1 आ सकता है, ये कट गए, 1 1 से करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये 1 1 से करेंगे तो 2 आ जाएगा। फिर आपको क्या लेना है, यहाँ पे 0 और 8 लेने हैं, 0 8 से यहाँ नहीं लगेंगे तो 1 0 आप यहाँ भी डाल दो और 1 0 आप यहाँ भी डाल दो,
फिर अगली संख्या दोनों पेयर में ही आपको उतारना होता है, तो ये 16 आ गया। फिर यहां से आप 4 ले लीजिए और इसको 4 से ही करेंगे तो ये क्या आ जाएंगे 816, यानी ये किसकी आ गई 104 की। अगर यही चीज आपको ट्री के साथ करना होता तो ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं थी। आपको क्या करना चाहिए, देखिए ये 2 2 का जोड़ा लगा लिया आपने, ये 1 का आ रहा था ना, तो ये 1, और ये देख रहे हैं कि ये किसके अप्रोक्स में, ये लास्ट में देखोगे तो 4 4 जा, यानी ये तो आपको आना चाहिए ना कि ये लास्ट में अगर 6 है तो 6 किसके स्क्वायर में आ सकता है। तो ये आपको बस केवल ट्रिक्स में याद रखना चाहिए। देखिए 1 का करते हैं तो 1 आता है, 2 का करते हैं तो 4 आता है, 3 का 9, यानी कि 4 का अगर करते हैं तो कहीं ना लास्ट अक्षर में 6 आता है, और अगर 6 का करते हैं तो भी 6 आता है। तो ये इसके अप्रोक्स में अगर आप जाते हो तो ये क्या हो सकता है, या तो लास्ट में यहाँ पे 4 हो सकता था, या तो लास्ट में यहाँ पे 6 हो सकता था। लेकिन अगर आप इसके नजदीक तक जाते हो, यहाँ देखिए यहाँ 008 ये बहुत ही करीब आ गए, तो यहाँ आपको 0 लेना होता है, तो 10 ले लिए, और ये अप्रोक्स में अगर आप देखोगे यहाँ 4 का भी आ सकता है ये, और 6 का भी आ सकता है, लेकिन ये एग्जैक्टली अगर देखोगे तो 4 4 6 लास्ट में ये 6 ही आ रहे थे, इसलिए यहाँ 104 आ गए। तो देखिए इसको करना बिल्कुल आसान। इसी प्रकार अब आपको ये ट्रिक्स अगर बता दिया जाए कि इसको आप कैसे 5 सेकंड के अंदर निकाल सकते हो, तो आपको 2 बराबर भागों में इसको डिवाइड कर लेना है। अब इसको नजदीक में जाना है तो जब आप आओगे तो 9 9 81 आता है, तो ये 9 की स्क्वायर के नजदीक में आता है, लास्ट में आप यहाँ पे जब आओगे तो ये 4 है। 4 कहीं ना कहीं देखोगे कि 2 की स्क्वायर 4 होती है, और आप देखोगे कि 4 की स्क्वायर में तो 6 आती है, लेकिन जब 8 का स्क्वायर करते हैं तो भी लास्ट में 4 आता है। अब जाओगे कि इसके नजदीक में क्या है, देखिए अगर आप यहाँ पे अगर 2 ले सकते हो, यानी कि ये 92 का हो सकता है, और एक ये 90, यानी कि 8 8 6, ये 98 के स्क्वायर ये भी हो सकते हैं। लेकिन अब देखिए ये नजदीक कौन है, 90 का अगर लेते हैं तो 81, नजदीक में कौन आता है, ये 2 वाला कि 8 वाला, तो नजदीक में कहीं ना कहीं ये 2 ही आ रहा है, दैट मींस कि आपको 8 को नहीं लेना है, तो ये किसका स्क्वायर हो जाएगा 92 का हो जाएगा, यानी इसके स्क्वायर रूट क्या हो जाएगी 92। इसी प्रकार से आपको इसको लेना है, 2 बराबर भागों में इसको डिवाइड कर लेना है। अब इसके नजदीक में जाएंगे तो ये भी कहीं ना कहीं 9 9 81 आएंगे, और इसको अगर आप करते हो तो देखिए ये 5 की लास्ट में ही 5 आती है, तो इसमें आपको कोई लेना भी नहीं अलग से, ये 95 क्या आ जाएगी। इसको आप करोगे तो देखिए ये भी 9 का आ रहा है, 9 9 जा क्या आता है 81, और 10 को करेंगे तो 100 ज्यादा हो रहा है, तो 9 लेंगे और लास्ट में ये 9 है। कहीं ना कहीं आप देखोगे 3 से करते तो ही 9 आता है, 3 ले सकते हो, या 8 7 लेते हैं तो भी आ सकता है, तो कहीं ना कहीं ये 9 9 जा 81, और ये उससे बहुत ज्यादा है, यहाँ आपको 3 नहीं लेना है, यहाँ आपको 97 लेना है। इसके बाद आप जब आएंगे 9 6 0 4 पे तो ये भी 9 9 का है, और ये लास्ट में 0 4 है, ये या तो 2 में आ सकते हैं, या तो अभी आप देखे थे 98 में भी आ सकते हैं, तो ये 92 बहुत नजदीक का आ रहा था, तो ये यहाँ पे 98 लिया जाएगा, यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएंगे। जैसे ये आएंगे ये भी 9 9 जा 81, 9 नजदीक में आ रहे हैं, और लास्ट में ये 1 है, 1 कहीं ना कहीं या तो 1 में आ सकता है या तो 9 में आएगा, 9 9 जा 81 ये उसके बहुत ही दूर जा रहा है, तो 91 को नहीं लेना है आपको, 99 को लेना है।